नमस्कार, मैं मोनू मीरा की मम्मी बोल रही हूँ, जिसका वीडियो आप देखते चले आ रहे हैं। मैंने अपनी इसमें काफ़ी रेसिपी डाली हैं जो आपको आपने पसंद आई और आपने लाइक भी करी हैं। और मैं आपको हमेशा अच्छे से अच्छी तरह से बताऊँगी और बढ़िया ढंग से बताऊँगी। आप जो भी मेरा वीडियो देखें वो पूरा देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको लाइव भी दिखाऊँगी और बोल कर भी ऐसे दिखाऊँगी जो आपको बिल्कुल लाइव लगेगा। आज मैं आपको राजमा बना के दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको बनाते हुए दिखाया है। हालाँकि मेरे पास साधन इतना नहीं है, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटा है और मैं यहाँ गैस नहीं ला सकती हूँ, तो आपको मैं हीटर के ऊपर दिखा रही हूँ बना के। राजमा बनाने के लिए चार लोगों के लिए कम से कम 250 ग्राम राजमा हो। राजमा भी दो प्रकार का होता है, एक चिट्टी वाला होता है, एक लाल वाला। लाल वाले का छिलका जो है ज़रा हार्ड होता है, सख्त होता है, जो कम गलता है, और चिट्टी वाले का छिलका बहुत अच्छे से गल जाता है। वैसे भी अगर आपका राजमा ना गलता हो तो आपको मैं तरीका बता रही हूँ। राजमे को आप रात में पानी में भिगोइए, पहले धोइए अच्छी तरह, उसके बाद जितना पानी उसमें रखना चाहती हैं, एक गिलास डेढ़ गिलास पानी रख के 250 ग्राम राजे में आप उसको भिगो दीजिए, और उसमें चौथाई चम्मच मतलब बहुत थोड़ा उसमें सोडा डाल दीजिए। ठीक है, रात में आपने उसको भिगो दिया, अब आपको क्या करना है, सवेरे उठ के वो पानी आप फेंक दीजिए और उसमें थोड़ा पानी और भर दीजिए, या गर्म गुनगुने पानी भिगोइए तो वह जल्दी भीगेगा। मैं बनाने का ढंग बताती हूँ। आपका राजमा एक एक छिलका उसका टुकड़ा गलेगा जो आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। अब राजमा बनाना कैसे है, आपने राजमे को एक डेढ़ गिलास पानी में उबाल लिया, अच्छी तरह उबाल लिया, और उबालते समय उसमें एक छोटी इलायची, एक दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक आधा टुकड़ा दालचीनी का छोटा सा, और चार पांच लौंगे बस। उसमें थोड़ा सा आधा इंच का अदरक का टुकड़ा वो उसमें घिस दिए, और स्वाद अनुसार उसमें नमक डाल दिए, बस उसको उबलने दिए। दो जब उसमें उबाला आ जाए अच्छी तरह, अभी ढक्कन ना लगाइए, उसमें जब उबाला आ जाए तो जैसे आपने एक डेढ़ गिलास पानी रखा है कम, तो उसमें आधा गिलास पानी उसमें ठंडा पानी एकदम और डाल दीजिए, बिल्कुल ठंडा उबलते पानी में, और उसको ढक्कन लगा दीजिए। अब धीरे धीरे उसको उबलने, एक एक दाना उसका गला हुआ अंदर से निकलेगा, बिल्कुल जैसे आप हाथ में दबाओगे तो बिल्कुल मलाई हो जाएगा एकदम। अब आपने दो तीन सीटी मार के उबाल लिया, ठीक है। अब आप पड़ गया, हमें दो बड़े प्याज लिए, प्याज को कच्चा या कद्दूकस कर लिए, और चाहे उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिए जैसे आपका सहूलियत हो उसके अनुसार, और दो टमाटर लिए, तीन बल्कि दो नहीं, टमाटर उसमें चार पड़ेंगे क्योंकि आजकल ज़्यादा टमाटर खट्टे तो आते नहीं हैं, चार टमाटर ले लिए। चार टमाटर को भी आप कद्दूकस कर लिए, या फिर उसको चाकू भूकिए और गैस भी दिखाइए और उसका छिलका उतार दिए, क्योंकि छिलका बीच में आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए छिलका आप उसका उतार दिए। अब आपने क्या करा, कढ़ाई में आपने एक डेढ़ कलछी रिफाइंड डाला, चाहे रिफाइंड डालो, चाहे तेल डालो, चाहे कुछ भी डालो, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसको कढ़िया में डालो, और अपने प्याज जो आपने बनाया है, भुना करा है, कस के रखा है या काट के रखा है छोटा छोटा, उसे आप भून लो। पहले प्याज भूनने से पहले थोड़ा सा जीरा डालो, और जीरा डालने का प्याज डालकर उसे अच्छी तरह भून लो। अब जब आपका प्याज अच्छी तरह भून जाए, चाहे वो घिसा हो चाहे वो कटा हुआ हो, जैसा भी हो जिस रूप में भी हो, आप उसको भून लिए अच्छी तरह। अब आपका प्याज भून गया है तो आपको क्या करना है, जो आपने टमाटर लिया है टमाटर को भी उसको छिलका उतार के अब बिल्कुल मैश कर लो एकदम, टमाटर का मैश बिल्कुल हटा के अब वो भी इसमें डाल दो, उसको भी अच्छी तरह मैश कर लो। अब उसमें क्या करना है, आप उसमें जो आपका मसाला है, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला जो भी है, आप जब तक आपका प्याज भुनना है, प्याज भुनने से पहले एक आधी कटोरी पानी लेके उसमें आप डाल दो मसाले को, सब मसाले बिना भुने जो आपके पैसे हुए रखे हैं, बस उनको कटोरी में भिगो दो थोड़ी देर के लिए, जब तक आपका प्याज भुन जाए। अब आपका प्याज भुन गया और उसमें टमाटर भुन गया, तो ये मसाला जो आपने कटोरी में भिगा डाला ये भी डाल दो, अच्छी तरह भूनो इसको। जब पानी इसका रसा सूख जाए तो थोड़ा सा पानी फिर डालो और फिर उसको भूनो। जब अच्छी तरह भुन जाए मसाला, खूब मसाले महक आने लगे आपके, तो आपको क्या करना है, एक कटोरी दही लो और दही उसमें डालो। जब तक दही नहीं डालोगे मज़ा नहीं आएगा। दही, मसाला, क्या नाम है आपका, टमाटर, सब उसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह, रेशा रेशा मिक्स हो जाए, पता ही नहीं चले कि मसाला क्या है, दही क्या है और टमाटर क्या है। जब अच्छी तरह आपका मसाला भुन जाए और मसाला कढ़िया छोड़ने लगे तो समझ लीजिए आपका मसाला भुन गया है। बस आप उसमें अपना जो है राजमा वो डाल दीजिए, अच्छी तरह खोल के उसमें आँच लगाइए, बढ़िया तरीके से। अगर उसमें रसा कम है तो थोड़ा गर्म पानी करके, गुनगुना पानी करके उसमें डालिए, कच्चा पानी ना डालिए, पानी गर्म करके उसमें डालिए ताकि आराम से उसमें मिल जाए। अब आपका राजमा जब तैयार हो जाए तो आप आराम से उसको निकालिए, उसमें हल्का सा थोड़ा सा गर्म मसाला और डालिए ऊपर से, जो आपका घर में पिसा हुआ वो डालिए, और या फिर आप बाज़ार का जो राजेश मसाला आ रहा है, गर्म मसाला बहुत अच्छा है, वो आप उसमें डालिए। मसाला ज़रूर डालिए,
क्योंकि इससे पहले तो मैंने आपको डाल दिया कि आप खड़ा मसाला डालिए, जो थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसमें गर्म मसाला भी थोड़ा डालिए, चाहे अपने घर का डालिए और चाहे आपने बाज़ार का डालिए। अगर घर का डालते हैं तो कोई बात नहीं, घर का डाल दीजिए, बस उसमें आप हरा धनिया डालिए और हरा धनिया डाल के सर्व करिए। अगर आपको सब मेरी रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर उसमें बनाइए और उसी तरह से बनाइए, एक एक दाना आपका गला हुआ बनेगा और अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, जो खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार। क्या करोगे?
तभी इसकी चिकनाहट ऊपर आ जाए। बस हो गया खत्म।